अच्छा, हम वीडियो बना रहे हैं FBR के अंदर जॉब्स जो आई हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर, जो हमारे पाकिस्तान के टैक्सेस जमा करते हैं, राइट। और उसके अंदर जॉब्स आई हैं DEO की, राइट, और अकाउंटेंट की, असिस्टेंट की, काफ़ी आई हैं डिफरेंट, राइट। देन उसका सिलेबस क्या है, उसका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। इंग्लिश का 20% है, पाक स्टडी का 20% है, इस्लामियत का 20% है, और जनरल नॉलेज का भी 20% है। तो टोटल हो गया 80% ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी बाकी 10% कहाँ गया। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और FBR में अगर आप लोगों ने पास होना है, अगर आपने BCom किया हुआ है और आपने टैक्सेशन, अकाउंटिंग, सेल टैक्स, स्लैब रेट्स और ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, देन आपके लिए इसमें पास होना बहुत आसान है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो एक दिन किसी BCom ग्रेजुएट के पास बैठें और उसे बैंकिंग का थोड़ा सा नॉलेज ले लें, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बाकी इंग्लिश, पाक स्टडी, इस्लामियत और इसकी डिटेल वीडियो जल्द बनाऊंगा, क्योंकि इसका पेपर सारा डिफरेंट है IB और बाकी पोस्ट के मुताबिक। इसका सिलेबस भी डिफरेंट है, इसका पैटर्न डिफरेंट है, और इसका पर्पस भी सारा के सारा डिफरेंट है। तो इसके लिए हम बाकी वीडियोज़ की तरह मर्ज नहीं करेंगे इसे, तो इसके लिए डिटेल वीडियो अलग बनाऊंगा इंशाल्लाह। सिलेबस को बस फॉलोअप कीजिए, और इसका ओल्ड पेपर आप निकाल लें 2014 का ओल्ड पेपर निकाल लें, उसे रिव्यू करें, और वहीं से आप लोग उसे रिव्यू करें। बाकी जल्द वीडियो मिल जाएगी आपको। फेसबुक पर जाकर सर्च करें वकार.वहीद 121, देखते रहें चैनल सर वकार वहीद। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।